अस्सलामु अलैकुम। हेलो यार, तो बिलियो मित्र से लियो बकरियो ते ले लियो की आले। ठीक हो ना? उम्मीद कर तू सब खैर खरी होंगे, अपने पैर पेरे जानवर मजे में होंगे। तो एक और खूबसूरत सी डिवाइस के साथ आ चुका हूँ और इस टाइम पे मेरे पास है सोनी एक्सपीरिया 5 Mark III। और इसी डिवाइस से रिलेटेड अभी हम लोग बात करेंगे कि इस डिवाइस को पबजी के लिए परचेज करना चाहिए या नहीं। ये खूबसूरत सी डिवाइस मतलब पूरे के पूरे राउंड शेप और मतलब हाथों से स्लिप होने वाली मछली। और खैर, इसी डिवाइस से रिलेटेड अभी हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर पबजी की परफॉर्मेंस कैसी है, इसको परचेज करना चाहिए या नहीं 2024 के अंदर, और ये डिवाइसेस काम की हैं भी या नहीं। वैसे तो ये कैमरा के लिए बनी हुई होती हैं। डिवाइस के अंदर आप लोगों को कैमरा नजर आ रहा होगा, बहुत खूबसूरत सा मजेदार सा कैमरा लगा हुआ है। इससे पहले मैंने सोनी एक्सपीरिया 1 Mark III का रिव्यू किया था, उसके अंदर भी आप लोगों को इसी तरीके का एक बड़ा सा लेंस नजर आ रहा होगा, क्योंकि सोनी के बहुत सारे फोन्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना, बहुत सारे क्या, ज्यादा फोन्स बनते ही इसीलिए हैं क्योंकि उनके अंदर फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी की जाए। मेरा ये अल्फाज पता नहीं, ये वाला लफ्ज फंस जाता है मुंह में, जुबान ही ऐसी है। तो खैर, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस डिवाइस के अंदर है क्या कुछ, हमें क्या कुछ मिलता है और इस डिवाइस को परचेज करना चाहिए। इसके अंदर गेम का लॉगिन टेस्ट करेंगे और इसके साथ साथ बुलेट्स की कनेक्टिविटी, और इसका ये बताऊंगा कि इसको रिकॉर्डिंग्स वगैरह के साथ स्ट्रीमिंग वगैरह और इस तरीके की चीज़ों के लिए, कंटेंट वगैरह के लिए आप लोग ले सकते हो या नहीं। इसके अलावा अगर किसी और डिवाइस के ऊपर रिव्यू चाहिए हो तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ उन डिवाइसेस के ऊपर भी रिव्यूज करने की जो जो मुझे अवेलेबल होती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिवाइस के साइज की। 6.1 इंच का डिस्प्ले है, और अगर बेजल्स की बात करें तो बेजल ऊपर और नीचे जो है ना थोड़ी सी है, बेजल मतलब थोड़ी सी है कुछ सेंटीमीटर की, और साइडों पे बेजल्स ना ही होने के बराबर है, ऊपर नीचे ही है बस। बाकी बैक साइड जो है वो ये प्लास्टिक की होती है, शीशा टाइप ही है, तो क्रैक भी हो सकता है अगर गिरे तो। तो इस ऊपर वाली साइड पे हम लोगों को 3.5 mm का जैक मिल जाता है, और इसके साथ साथ हम लोगों को टाइप सी वाला मतलब मिलता है जैक अगर हम लोग चार्ज करना चाहें तो। इसके अलावा अगर हम लोग इसके अंदर बात करें तो हम लोगों को क्या मिलता है, 120Hz के रिफ्रेश के रेट के साथ, 120Hz का इसका रिफ्रेश रेट, ये वाला कितना स्मूथ टच है यार। 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ हम लोगों को 8GB रैम के साथ स्नैपड्रैगन 888 5G मिलता है, और 4500mAh की बैटरी है। तो इसके अंदर दो तरह के वेरिएंट्स आते हैं, 8GB की रैम के साथ 128GB और 256GB वाले वेरिएंट्स आते हैं। तो अगर इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी पाकिस्तान के अंदर ये जस्ट किट्स आती हैं, क्योंकि मैं मोस्टली जिन फोन्स के रिव्यूज करता हूँ आप लोगों को बता दूं कि वो किट्स होती हैं, जस्ट फोन आते हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर इस फोन की बात करें तो ये PTA अप्रूव सोनी एक्सपीरिया 5 Mark III तकरीबन आप लोगों को 68,000 के राउंड फिगर में मिल जाएगा। 68,000 मतलब कम ऊपर नीचे थोड़ी बहुत इनकी प्राइजेस होती रहती हैं, वो और हालत पे भी डिपेंड करता है। 68,000 के राउंड अबाउट आप लोगों को PTA ऑफिशियल अप्रूव ये वाला फोन मिल सकता है, और 4500mAh की बैटरी है। तो यार, इतना सब कुछ पावरफुल होने के बाद इस डिवाइस के अंदर अगर हम लोग PUBG को लॉगिन करेंगे तो वो कितनी देर में लॉगिन करेगी, और इसका बूस्ट अप कैसा होगा, और अच्छी बात यह है कि गेम इनहेंसर मतलब इनके अंदर गेमिंग मोड अपना होता है। अभी हम लोग गेम का लॉगिन टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि गेम कितने जल्दी लॉगिन होती है। गेम को लॉगिन करते जाएंगे तो यहाँ पर इसका गेमिंग मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और देखते हैं कि अभी कितनी देर में ये गेम को लॉगिन करता है। वैसे तो बहुत टाइम हो गया है, जस्ट ये लॉगिन टेस्ट में ना सिर्फ एप्पल के फोन्स हग रहे हैं, बाकी एंड्रॉयड जितने भी हैं वो सारे के सारे बहुत जल्दी गेम को लॉगिन कर रहे हैं। ये चेक करो जी भाई साहब, यहाँ पर गेम ने चंद सेकंड लगाए, मतलब यहाँ पर हमारी फौरन से भी पहले गेम लॉगिन हो के हम लोग लॉबी में आ चुके हैं। तो गेम के लॉगिन के हिसाब से तो अगर हम लोग बात करें तो जरा सी भी देर नहीं लगा रहा, फौरन से इसने लॉगिन कर दिया। इसके अंदर डिस्प्ले वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा शार्प नजर आ रहा है। अच्छा, गेम जिस टाइम मैंने लॉगिन किया, इस टाइम का टेम्परेचर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 31 इसका टेम्परेचर है, क्योंकि इसको मैंने अभी अभी चार्ज से उतारा था, और 31 ही इसकी बैक पे है, 34 ये वाली जगह पे है, क्योंकि इसकी जितनी भी चिप वगैरह होती है, यहाँ पर ये जो छोटा सा आप लोगों को निशान नजर आ रहा होगा, यहीं पर इसका सारा का सारा सिस्टम लगा हुआ होता है, तो ये जगह ऑब्वियस सी बात है गर्म होती है, तो यहाँ पर बैटरी होती है, तो बैटरी वाली जगह तो नहीं, ये वाली जगह इसकी गर्म हो रही है जहाँ पे चिपसेट वगैरह होती है। बाकी इसका डिस्प्ले जो है बहुत मजे का शार्प होता है, मतलब एक्वास की डिवाइसेस जिस तरीके की शार्प एक्वास की डिवाइसेस होती है ना शार्प,
तो इसके भी कलर्स आप लोगों को उतने ही शार्प नजर आएंगे। बाकी वो और बात है कि अगर आप लोग इसके कलर्स वगैरह डल रखना चाहो तो। खैर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, रिफ्रेश रेट है, तो हम लोगों को सबसे पहले डिसअपॉइंट हम लोग यहाँ पर होते हैं कि ये देखो यार, मैं बहुत सारी वीडियोज के अंदर ये भी बता चुका हूँ कि ये जो 90 FPS ना होना, ये डिवाइस के अंदर मसला नहीं होता। मैंने मतलब मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं, जो गेम्स वगैरह डेवलप करते हैं या इस तरीके की चीज़ें वगैरह बनाते हैं, तो वो लोगों से भी मेरी बात हुई तो उन लोगों का भी यही कहना है कि ये PUBG खुद नहीं देना चाहता, इनके अंदर 90 FPS PUBG खुद नहीं जाना चाहता। शायद उसकी वजह क्या हो सकती है कुछ पता नहीं, बट इनके अंदर इतनी पावर होती है कि ये 90 FPS को चला सकते हैं, 120 FPS भी चला सकते हैं यार। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है इनके अंदर। खैर 8GB रैम के साथ स्नैपड्रैगन 888 4500mAh की बैटरी और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ हम लोगों को ये मिल रहा है। एक्सट्रीम पे स्मूथ, एक्सट्रीम पे बैलेंस, एक्सट्रीम पे HD, एक्सट्रीम पे ही HDR और अल्ट्रा HDR, ये अल्ट्रा पे चलाएगा। और बाकी 4x तक एंटी अलाइजिंग मिल जाती है। और अगर हम लोग गेमिंग मोड के अंदर आते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर बैलेंस है। कोशिश करो कि जब भी ये वाला फोन लो तो आप लोगों ने परफॉर्मेंस प्रेफर्ड पे रखना है, जब गेम खेलनी है तो परफॉर्मेंस प्रेफर्ड पे रखो। अगर बैटरी लाइफ पे लेके जाओगे तो आपको ये ब्लरी ब्लरी सी फील होगी, मतलब गेम लैग कर रही होगी। बैलेंस पे रखोगे तब भी लैग कर सकती है, लेकिन परफॉर्मेंस प्रेफर्ड पे रखोगे तो ये गेम कभी भी लैग नहीं करेगी, आप लोगों को बहुत जालिम परफॉर्मेंस देगी, आप लोगों को ऐसे लगेगा कि फोन फटने वाला है। उसके लिए हाल ही है कि आप लोग एक अदद कूलिंग फैन ले लो। ये देखो ना, इसका पानी निकल रहा है, तो पानी निकलना अच्छी चीज है। तो ये है कि अगर आप लोग कूलिंग फैन लगाओगे तो फिर तो डिवाइस भी नहीं गर्म होगी, परफॉर्मेंस तो ये वैसे ही बहुत अच्छी देगा। तो लेट्स गो, अभी हम लोग इसके अंदर बुलेट्स की कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। और अभी मैंने आप लोगों को टेम्परेचर वगैरह दिखा दिया था, 32 हो चुका है, पीछे 35 हो चुका है। और यहाँ पर अभी हम लोग गेम खेलने के बाद हाई परफॉर्मेंस पे चेक करते हैं कि कितना हीट करता है, लैग करता है या नहीं, बुलेट्स की कनेक्टिविटी कैसी है। तो यार हार्डवेयर बेस्ड जायरो है, और जायरो आप लोग चेक कर लो। ओए होए होए, क्या जालिम। और जायरो आप लोग अगर जायरो खेलते हो तो कंट्रोल करने में भी आप लोगों को मजा आएगा। और स्मूथनेस की बात करो तो यार बहुत ही कोई अल्ट्रा स्मूथ मुझे लग रही है ये, बहुत ही कोई ज्यादा ही स्मूथ है यार, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसका बहुत ही अच्छा है। तो यार यहाँ पर अगर आप बात करें तो एक छोटा सा अरीना का मैंने गेम प्ले किया, और उसके बाद अगर हम लोग इसकी हीट की बात करें तो यहाँ पर 38 इसका फ्रंट साइड हुई हुई है, और 43.9 है, 44 तक इसकी हीट जा रही है। और अगर हीट के हिसाब से बात करें तो ठीक ठाक है हीट भी, मतलब बहुत कम भी नहीं है, क्योंकि मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि रूम के अंदर जो है किसी किस्म का कोई भी फैन या तो कूलिंग वाली कोई भी ऐसी चीज नहीं लगी हुई, इसी वजह से ये इतना हीट हो रहा है। और वैसे भी गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ये ठीक हीट हुआ है, गलत हीट नहीं हुआ, क्योंकि परफॉर्मेंस के हिसाब से इसने जरा सा भी कहीं पे भी हमें ना डिले दिया, ना बुलेट्स के अंदर कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आई, ना ही इसने कहीं पे जरा से भी फ्रेम ड्रॉप किए। तो उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और बहुत मजे की चीज है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हम लोगों ने इसको परफॉर्मेंस प्रेफर्ड पे रखा हुआ था। अगर मैंने इसको बैलेंस पे भी रखा हुआ होता तो ये फिर भी बैलेंस कर रहा होता, मतलब हाँ गिरा भी रहा होता। और उस तरीके से अगर आप लोग इसी परफॉर्मेंस प्रेफर पे रखकर अगर आप लोग रिकॉर्डिंग करना चाहो तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूंगा कि एक अदद कूलिंग फैन ऐसा पानी छोड़ता हुआ लाजिम से ले लो, और कूलिंग फैन पानी छोड़ता हुआ आप लोगों को कब और कैसे और कहां मिलेगा इसके बाद आने वाली वीडियो आप लोग लाजिम से देख लेना। उसके अंदर मैं कुछ कूलिंग फैंस आप लोगों को रेफर करूंगा ना, ऐसे ही होता है, बट जो भी है मैं बताऊंगा कि कौन से वाले कूलिंग फैन हैं जो कि बहुत अच्छे और बहुत कम प्राइस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले आप लोगों को मिलेंगे। ये मेमो का है, DL05 है, ये भी अच्छा है, बट इससे भी अच्छी एक चीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, तो वो वाली वीडियो भी देख लेना। आप लोगों को कूलिंग फैन एक अदद इसके लिए लाजिम चाहिए,
बाकी ये 68,000 के राउंड फिगर में ये डिवाइस मिलने वाली चीज़ है, और इसकी जो स्पेक्स हैं उसके हिसाब से ये डिवाइस बहुत मज़े की आप लोगों को सारी की सारी चीज़ों के हिसाब से बहुत मज़ा कराएगी। अगर आप लोग नॉर्मल रूटीन का भी फ़ोन यूज़ करते हो, लाइक आप लोग पबजी कम खेलते हो और आप लोगों को चाहिए कि यार एक नॉर्मल रूटीन का फ़ोन हो जो कि आप लोगों का कैमरा वगैरह भी अच्छा हो, हर चीज़ बैटरी टाइम भी अच्छा हो, तो उस हिसाब से यार ये डिवाइस पूरी टारी है। मतलब आप लोगों को मज़ा आएगा इस डिवाइस पे के साथ खेल के। तो खैर अगर तो समझ आती है और रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताने अपने प्यारे प्यारे जानवानों को गिली वाली चुम्मी एंड लव यू। तो इसके अलावा अगर किसी और डिवाइस के ऊपर भी रिव्यू चाहिए तो वो भी आप लोग बता सकते हो। बाकी इन डिवाइसेस का कंपैरिजन भी आने वाला है तो वो भी सब्सक्राइब करके रखो यार, अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए आती रहेंगी। तो मैं मिलता हूँ अपने प्यारे प्यारे जानवानों को एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे को दे इजाज़त, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।